तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ ट्वेंटी रे चौधरी अ फेमस बंगाली राइटर पेंटर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ कंपोजर उपेंद्र किशोर रे चौधरी वॉज बॉर्न एज कामदरंजन रे ऑन ट्वेल्थ ऑफ मे एटीन सिक्सटी थ्री

इनका पहला बुक था रामायना। इन्होंने बंगाली में दो और बुक्स लिखे हैं जिनका नाम है सेकालेर कथा कथा एंड वेल नोन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज कॉल्ड एज टून बॉय दीज आर कंसिडर्ड एज एसेट्स ऑफ बांग्ला लिटरेचर 20 दिसंबर 1915 में इनकी डेथ हो गई आज का अगला महत्वपूर्ण घटना जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1942 में जब जापानी सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलकत्ता शहर को बम से उड़ाने का काम किया द जापानीज फोर्सेस बॉम्ब्ड द सिटी ऑफ कलकत्ता ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर आज ही के दिन 1942 में बॉम्बर्स ऑफ इंपीरियल जापानीज आर्मी एयर फोर्स बॉम्ब्ड द सिटी ऑफ कलकत्ता डैमेजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रिंगिंग सोरो टू द एंटायर सिटी ऑफ जॉय ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था इंडिया वाज अ डिफैक्टो अलाय ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बैक देन क्योंकि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया वाज अ मेजर एरियल एंड लैंड सप्लाई रूट टू चाइना फॉर अलायड पावर्स हिमालय टू सेंड सप्लाइस टू चाइना इन दॉर अगेंस्ट जपान जो वर्तमान म्यांमार है इस क्षेत्र को जापानीज आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखा था जैसे ही जापानीज इन्वेशन एक्सपैंड होता गया थ्रू साउथ ईस्ट एशिया जापान स्टार्टेड बाई डिफीटिंग बोथ ब्रिटिश एंड चाइनीज ट्रूप इसी दौरान जापानीज एयरफोर्स ने कैलकाटा को टेक ओवर करने का डिसीशन लिया जो इंडिया के पूर्वी क्षेत्र में है द सिटी ऑफ जॉय फॉर अ नंबर ऑफ डेज स्टार्टिंग फ्रॉम डिसम्बर ट्वेंटी टू आज का अगला इवेंट है 1988 राज्यसभा पास द सभा पास दिक्कमेंट एक्ट 20 दिसंबर 1988 में राज्यसभा द्वारा सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था

उस दिन के बाद से कोई भी नागरिक जो अन्यथा योग्य है 18 साल के एज के बाद भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है प्रोसेस इन इंडिया तो यहाँ पे हमको ये याद रखना होगा कि सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा वोटिंग एज को कम कर दिया गया था टू एटीन ईयर ऑफ एज चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो है 1993 डेथ ऑफ कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर वेल फाइटिंग द इंसर्जेंट्स इन नागालैंड नागालैंड में विद्रोहियों से लड़ते समय कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर की मौत हुई कर्नल नायर वाज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1951 में इन एर्नाकुलम इन केरला इन द ईयर 1983 इनको कीर्ति कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। फील्ड ऑफ बैटल दिस इज पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र कीर्ति चक्र इज द सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स अब पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी जान लेते हैं अशोक चक्र इज इंडियास हाईएस्ट पीस टाइम डेकोरेशन अवार्ड इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ परमवीर चक्र व्हिच इज अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड नेक्स्ट इन ऑर्डर इज कीर्ति चक्र इसका वॉर टाइम इक्विवेलेंट है महावीर चक्र इसके बाद आता है शौर्य चक्र एंड देन सेना मेडल तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कमिंग बैक टू कर्नल नायर 1993 में इनके यूनिट को नागालैंड में डिप्लॉय किया गया था बटालियन का नेतृत्व करते समय नागा विद्रोहियों ने इन पर हमला किया ही फॉट करेजियसली डिफेंडिंग हिज मेन एंड वाज मार्टर्ड ऑन 20th ऑफ दिसंबर 1993 ही वाज अवार्डेड द अशोक चक्र फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था प्लीज नोट बीन अवार्डेड बोथ अशोक चक्र एज वेल एज अवार्ड्स हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस the international human solidarity day observed on december 20th is an international annual unity day of the united nations and its members this was introduced by the un general assembly during the 2005 world summit isco introduced on 22nd december 2005 by resolution 60 bar 209

The the fund fund was set up to to United Nations Development Program, which worked to eradicate poverty. फंडटअप टू फंडल डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय हेल्पिंग सोशली और मेंटली चैलेंज पीपल ये अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस को सेलिब्रेट करने का मकसद है विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करना और गवर्नमेंट्स को याद दिलाना कि उनके कमिटमेंट्स और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को रेस्पेक्ट करें, यूनिटी या एकता के महत्व के बारे में पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें और ऐसे इनिशिएटिव्स को एनकरेज करें जो पूरे विश्व में गरीबी यानी कि पॉवर्टी हटाने में मदद करे दीज आर दब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे चलिए अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न आप इन सारे प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कर्नल नीलकंठन चंद्रन नायर हैज बीन अवार्डेड ऑफ़ अवार्ड्स। कर्नल नीलकंठन जय नायर को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिए गए हैं? वन अशोक चक्र टू शौर्य चक्र थ्री कीर्ति चक्र फोर परमवीर चक्र आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करना होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ दि प्रेसिडेंट गोटिंग एज इन इंडिया ऑप्शन ए आर वेंकटरामन ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा ऑप्शन सी जेल सिंह या ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी क्वेश्चन नंबर थ्री चेले देर रामायण एंड टूंटूनेर बॉय आर द वर्क्स ऑफ विच फेमस बेंगोली राइटर चिलेडेर रामायणा और टुनटुनेर बॉय किस प्रसिद्ध बंगाली लेखक के कृतियां है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी जीबानंदा दास ऑप्शन सी उपेंद्र किशोर रे चौधरी या ऑप्शन डी नवीन चंद्र सेन क्वेश्चन नंबर फोर व्हेन वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इंट्रोड्यूस्ड अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब शुरू किया गया था ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2012। क्वेश्चन नंबर फाइव इन ऑर्डर ऑफ ऑफ प्रेसिडेंस पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, शांति काल वीरता पुरस्कारों की वरीयता के क्रम में दूसरा कौन सा है ऑप्शन ए शौर्य चक्र ऑप्शन बी अशोक चक्र ऑप्शन सी कीर्ति चक्र या ऑप्शन डी महावीर चक्र विद दिस क्वेश्चन वीव कम टू दी एंड ऑफ टूडेज डिस्कशन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का डिस्कशन ध्यान से सुना और सारे अभ्यास प्रश्नों के आंसर्स आप करेक्टली मार्क कर पाए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पेरेंट्स के साथ शेयर करिए कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग